मैं बोल रहा हूँ एसपी पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप वर्ल्ड। अब समाचार विस्तार से। सपा की पटेल यात्रा पहुंची अयोध्या। अयोध्या विधानसभा में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का हुआ भव्य स्वागत। नरेश उत्तम पटेल का बयान, अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था। हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे हमें मतलब नहीं। हम प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगा है कि वह हमको ताकत दें। इस मौके पर पटेल यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के हनुमत नगर बाजार में स्वर्गीय भान प्रताप वर्मा स्मारक इंटर कॉलेज के प्राचार्य निर्मल वर्मा के नेतृत्व में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का 51 किलो का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। यहां माला पहनाने वालों में प्रमुख रूप से दीपू वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद वर्मा, राम जन्म वर्मा, मोहसिमपुर के पूर्व प्रधान गोपीनाथ वर्मा, हरी राम वर्मा, विनय पटेल, विक्रमा पटेल, राम संवारे पटेल, प्रधान राजेश समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखवारा की बाग में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। पेश है उनके संबोधन का कुछ अंश। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन 7 वर्ष से नरेंद्र मोदी भारत की गद्दी पर बैठे हैं और उन्होंने किसानों की फसलों का मूल्य नहीं दिया। आज पूरे देश में, दिल्ली में हिंदुस्तान के हर राज्य के किसान, दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे गेहूं का, हमारे धान का, हमारे गन्ने का, हमारे दलहन का, हमारे तिलहन का दाम जो भारत सरकार तय करती है वो भारत सरकार हमको दिलावे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपया, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्रय केंद्रों में गेहूं का दाम नहीं मिला, किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया और आज भी किसान 1400, 1300, 1200 रुपए में बेचने पर मजबूर है। और यही नहीं, अभी पिछले दिनों धान का जो 1865 रुपया समर्थन मूल्य था वो भी हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर दिल्ली में भारत के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान लगातार आंदोलन में हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको MSP दो। तो मोदी जी कहते हैं MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। और इसी की गारंटी हम किसान लोग, हमारे किसान भाई केवल MSP की गारंटी चाहते हैं कि हर किसान को जो भारत सरकार उसके फसल का मूल्य तय करे वो हमको फसल का मूल्य सुनिश्चित कर दिया जाए। हम आंदोलन